भाई 2 मार्क्स के लिए गिटी लग गया यार। देख सकते हो भाई इधर 8 मार्क्स लिखा है जो, वहाँ पे प्रैक्टिकल में मुझे उसके लिए गिटी लगा दिया है। 2 मार्क्स के लिए यार मेरी जान ले रहे अभी लोग। What's up everyone, it's your boy Mirza Next, welcome back to the another vlog. Okay, तो first of all happy new year guys, और आज 6 तारीख है और मैं आप लोग को बहुत लेट विश कर रहा हूँ बिकॉज 1 तारीख को मैंने प्रीवियस व्लॉग डाला था जो कि अलीबाग पार्ट 2, तो मुझे विश करने नहीं मिला, तो सॉरी फॉर दैट। तो बात करें आज के व्लॉग की, तो आज का व्लॉग एक टाइप का डेली व्लॉग होने वाला है। मैं मेरा रूटीन शो करने वाला हूँ क्योंकि मैं कॉलेज कैसे जाता हूँ एंड सब कुछ कवर करूँगा उसके अंदर, कॉलेज के अंदर क्या क्या मिलता है फूड और हम लोग क्या मतलब खाते थे वो सब भी कवर करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल के बाद कॉलेज जा रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट लेना है सेकेंड ईयर का, थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम का। तो सबसे पहले वो कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से कैसे जाना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ, देन का ब्लॉग कवर करते हैं। तो मेरे पैनकेक्स जो है वो रेडी है, चले खा के लेता हूँ देन निकलता हूँ। और एक बात, हम बहुत जल्द 1500 सब्सक्राइबर हिट करने वाले, तो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जरा के सब्सक्राइब करो। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। ओके, तो ये है मेरे पैनकेक्स जो कि मैंने बनाए। सो सबसे पहले इसको मैं खाऊंगा देन निकलूंगा कॉलेज के लिए। सो थोड़े टाइम बाद चालू करते ब्लॉग को, जब तक आप लोग टाइम लैप्स देख लो। Few moments later. Okay, तो अभी जस्ट ना मेरा सब खा के हो गया है एंड अभी निकलने वाला कॉलेज के लिए। तो सबसे पहले मुझे बैग लेना है एंड आईडी कार्ड तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सिवा मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। सो लेट्स गो एंड देखते हैं अभी क्या होता है। सबसे पहले मैं तो एंड मेरा जो दोस्त है क्लासमेट है कॉलेज में संदेश, तो वहाँ पर रुका है, तो उसको पिक करके फिर एक साथ निकल जाएंगे हम लोग कॉलेज। उसका भी कुछ काम है, फॉर्म भरना है कौन सा, तो एंड मुझे एक्चुअली रिजल्ट लेना है, उसने ऑलरेडी रिजल्ट कलेक्ट कर लिया। तो लेट्स गो एंड सी क्या होता है आज के ब्लॉग। करेंटली मैं घर से निकल गया हूँ एंड अभी जा रहा हूँ हाईवे की तरफ, मेरा दोस्त रुका है वहाँ पे, क्लासमेट। तो अभी हम लोग दोनों वहाँ जाएंगे खार स्टेशन या बैनर स्टेशन, फिर वहाँ से वडाला का ट्रेन पकड़ेंगे CST के लिए, तो वो ट्रेन पकड़ के जाएंगे हम लोग कॉलेज। तो लेट्स सी अभी क्या होता है आगे एंड रिजल्ट तो पता नहीं भाई पास है कि फेल है, तो देखते हैं अभी रिजल्ट मिलने पर जो कुछ भी समझ जाएगा। तो लेट्स सी। ओके, तो ये मेरा क्लासमेट संदेश, हम लोग जा रहे ट्रेन से आए, पहले बस से जाने वाले थे, यहाँ पे हम लोग का थोड़ा मूड चेंज हो गया था बात करने का, चल तो हम लोग सोचा था बस से जाएंगे बट बस से बहुत टाइम लगेगा, क्या बोल जबर वरना भरपूर वेट लगेगा। तो तेरा रिजल्ट क्या निकला, पास की फेल? पास, तू पास है मतलब मैं भी पास ही रहूँगा। दोनों का तो ऑलमोस्ट सेम ही आता है, 72 वेट ले था। तो चलो देखते हैं अभी डायरेक्ट मिलते हैं रेलवे स्टेशन के पास। ओके, सो यार वी आर करेंटली एट खार स्टेशन, हम लोग फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे हैं, ये देखो सामने कुछ आप। अभी का टिकट क्या कैसी है? अभी हम लोग टिकट नहीं निकालने वाले बिकॉज टिकट तो नहीं मिलने वाले, वी आर नॉट वैक्सीनेटेड और मिलने भी नहीं वाले। अभी चोरी छुप के निकलना हम लोग को टीसी अंकल से भाग के। सो लेट्स गो और थोड़ा बहुत सिनेमैटिक देख लो। ओके, तो राइट नाम स्टेशन पे और वेट कर रहे हैं, ट्रेन का कितना बजे ट्रेन है? 12:18 की ट्रेन है और अभी कितना बजे? 12:02। तो हम लोग को और 16 मिनट्स वेट करना है, तो 16 मिनट वेट के बाद ट्रेन आएगी
और ऑलमोस्ट ये हरवर लाइन की जो ट्रेन है CST की, तो ये थोड़ी लेट ही आती है, तो मेरे को रुकना पड़ेगा फिलहाल के लिए। और क्या बोलेगा, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बहुत कुछ काम है, रखड़ाएंगे कितना वो नहीं पता है, ऑनलाइन भरने का ना, नहीं SBI मधून चालान काढून भरू ना, बाकी माझ्याकडे कॅश आहेत। ओके चलिए, चलो वेट करते, आप लोग अगर देखते रहो, कैमरा मैन मीर्ज़ नेक्स्ट के साथ। अभी तो अपनी ट्रेन आ गई है, तो लेट्स गो, ट्रेन के अंदर जाते हैं अभी, मैं थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ, सो लेट्स गो। हम लोग यहाँ पे जो ये बाजू में ब्रशेस लगे, यहाँ पे हम लोग शूज साफ करते हैं, क्योंकि पहले सुबह कैसा होता था कि भीड़ रहती थी, तो हम लोग के शूज़ ख़राब हो जाते हर बार लंबी ट्रेन में, तो हम लोग यहाँ पे शूज़ साफ करने के, फिर हम लोग कॉलेज के लिए निकलने के। सो मत हम लोग एक बार बटन दबा के स्टॉप कर देते। क्या बोलत ना, लोग मेन गेट से जाने का सोचे, बिकॉज हम लोग का पीछे वाला गेट है हम लोग के डिपार्टमेंट का, वहाँ का वॉशरूम बहुत कमी है, सारा आईडी के लिए बहुत पूछते हैं, पुढच्या गेटला आईडी नाही लागला तरी पण पाठवतात। लेट्स सी अभी क्या होता है रिजल्ट में, तूने तो भाई 70 मार के टॉप कर दिया भाई, चलो देखते अभी क्या होता है। ओके तो मैंने अभी आईडी कार्ड पहन लिया, और वो देखो सामने वहाँ पे जो कार है वहाँ पे हम लोग का गेट है, तो वहाँ से अभी हम लोग एंटर करेंगे, और मैं अभी कैमरा बैग में डालने वाला हूँ, देख लिया मैं कैंटीन में ओपन करूँगा कैमरा, बिकॉज अंदर हम लोग को अलाउड नहीं है, क्या बोलते हैं, पकड़ लेगा सब जमा हो जाएगा, आईडी कार्ड भी जमा हो जाएगा, कैमरा भी जमा हो जाएगा, जमा करने के 2000 तो नो रिस्क एट ऑल, तो हम लोग अभी कैमरा बैग में रखेंगे, थोड़ा कि कैंटीन के अंदर कैमरा निकालूंगा, सो देखिए मिल के वहाँ पे ट्राई करो ना, आत्मा लाख भाई 2 मार्क्स के लिए गिटी लग गया यार। देख सकते हो भाई इधर 8 मार्क्स लिखा है, जो वहाँ पे प्रैक्टिकल में मुझे उसके लिए गिटी लगा दिया है, 2 मार्क्स के लिए यार मेरी जान ले रहे अभी लोग, टेंशन आ गया यार, बाकी सब मैं ऑल क्लियर हूँ, बस जो 2 मार्क्स के लिए जो प्रैक्टिकल मुझे गिटी लगा, अभी देखते मैम को मैंने कॉन्टेक्ट किया अभी क्या होता है, मेरा मूड ऑफ हो गया टोटली, चल भाई कुछ खा के सोच रहा नहीं, कुछ मुझे खा के लेते अपन, तेरे फोल्डर में डाल दे वो। एनी टाइम पबजी भाई, भाई टेंशन ले जाए उसने मेरे को, दो वेज वेटर्स का बिल्ला है अपने पास भाई, बिल्ला के सब आ गया, सब पबजी खेले, सब कोई नहीं खेलता, वही हुआ रे भाई, अपना फ्राइड राइस बन रहा है इसके लिए रुके हुए, और सामने रोहित भाई आ गया फ्राइड राइस, वेटर यहाँ पे रखो, वेटर बैठ जा, 45 में और क्या चाहिए, वेज फ्राइड राइस, चलो चलो अभी मैं जो कुछ भी रुका हूँ वो एक ही उससे रुका हूँ कि
मुझे भी बस ग्रेस मार्क्स मिल जावे, दो ग्रेस मार्क्स मतलब दो मार्क्स मिल गए मुझे तो पास हो जाऊंगा। कितना है 78 समथिंग परसेंटेज आया मुझे, तो बस दो मार्क्स के लिए और वो रहा हूँ। मैम आज आई नहीं तो मैम को मैंने कॉन्टेक्ट करके रखा है, देखते भी क्या है खा कर लेते। तू भी आया मंगा है कि नहीं? अच्छा नागेश का बर्थडे, अच्छा आगे क्लासमेट लोग मेरे जो मरीन लाइन में करूँ उसका एक्चुअली मुझे फॉर्म भरना है, तो इसके बाद कोई कंपनी है तो इसके लिए मैं रुका हूँ। आगे जा रहा है उसका बर्थडे बॉय, आज बर्थडे बॉय। हाँ इधर बैठना पास में, सरकुम बस सरकुम बस, तू बस नहीं थे यहाँ चलो। बहुत दिनों बाद प्रथम मिसिंग है इसके अंदर अभी भी, प्रथम प्रथम और ऋतिकेश है ना, आए थे सब लोग आले सब हमारी लाइन। ओके तो जो मेरा इशू हो गया था वो फाइनली सॉल्व हो गया, भगवान की देन है हमें दो मार्क ग्रेस मिले और हम लोग पास हो गए। एक्चुअली वो जो हुआ था जो प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो मुझे लगा मैं फेल हो गया लिटरली, तो जो मुझे ग्रेस मार्क मिलने वाले थे उसके बदले मुझे फेलियर मार्क्स दे दिया, तो उसका सिम्बॉल ऐड किया, तो उसके वजह से मुझे एटीकेटी दिखा रहा है इसके अंदर, तो बोले कि अभी मंडे को आ जाओ तुम्हें सॉल्व करके देंगे सब। सो या चलो जाते हैं अभी फिलहाल घर पर, बहुत टाइम हो गया। सो तो सर क्या बोलते हैं ओके तो एज यू कैन सी यहाँ पे एटी लिखा है और इधर लिखा है कि कॉन्डेंट मार्क्स और फेलियर मार्क्स, तो मुझे एक्चुअली मिले थे कॉन्डेंट मार्क्स जो कि ग्रेस मार्क्स, एंड यहाँ पे मुझे दे दिया गया है सिम्बॉल फेलियर मार्क्स का, तो यहाँ पे एक्चुअली कॉन्डेंट मार्क्स का, तो एक्चुअली वो लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था तो जो डिपार्टमेंट वाले उनकी गलती की वजह से मुझे एटी दिखाया था। मैं यहाँ पे ध्यान नहीं देता था, तो मुझे भाई ये एग्जाम पक्का था क्योंकि मैंने मैम को कांटेक्ट किया, जस्ट भरना पड़ता एक दो मार्क्स के लिए मुझे 850 भरना पड़ता री एग्जाम देने के लिए, एंड मैंने एक्चुअली मैम को कांटेक्ट भी किया था, तो मैम बोली कि तुझे री एग्जाम देना पड़ेगा, बट मैं मैम को बोला कि मुझे जो पीडीएफ भेजा था पहले अगस्त को ना, राइट अगस्त 26 अगस्त, तो अगस्त को जो मुझे पीडीएफ दिया था उसमें लिखा था कि कॉन्टेंट मार्क्स देकर तुझे पास किया है, बट अभी देख रहा हूँ तो भाई चमत्कार क्या सुबह सवेरे धोखा ओ भाई तो वो देख के तो भाई मेरा मुंह तूने देखा था बाद में कैसा हो गया था, टेंशन नहीं रहेगा तो अभी वो बोला मंडे को आ जा कि क्लियर कर देता हूँ सब, तो अभी वो सर के भरोसे के ऊपर रुके और उसके ऊपर ही पूरा होप से कि अभी क्या होएगा आगे वो। सो या तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और जो चाहे पे नए हो सब्सक्राइब करो, शाइनिंग आउट ऑफ मिर्जेनेक्स। एक सेकेंड इसके ऊपर मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा मंडे को शायद से, क्योंकि मुझे मंडे को इशू सॉल्व करने का है, तो होप सो मंडे को और एक ब्लॉग बनेगा। तेरा रूस का मंडे को एग्जाम है? हाँ मेरी एग्जाम है, इसका एग्जाम है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय बाय।